सा वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? होपली सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और मैं भी बिल्कुल फिट हूँ। सो गाइज, मैंने फाइनली ये वाला सूट पहन लिया। इस सूट की कहानी मैं आपको बताऊँ क्या है, मतलब कि ये मैंने मतलब दोनों का सेम बनवाने का सोचा था, तो मैंने तो मेरा सी लिया था। इनका शर्ट अभी बना नहीं है तो इन्होंने मेरे को हर बार रोक दिया कि नहीं शर्ट बनेगा तब पहनना, शर्ट बनेगा तब पहनना। तो इनका शर्ट तो इन्होंने दिया ही नहीं है सिलने के लिए, तो कब बनेगा। तो मैंने तो आज पहन लिया क्योंकि मेरे पास शॉप पे जाने के लिए न्यू सूट ही नहीं है पहनने के लिए, और मुझे कुछ शूट भी करने हैं, वीडियोस वगैरह शूट करने होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छा दिखना जरूरी है। तो मैंने अपना ये सूट पहन लिया है और अभी मैं घर पे ही हूँ। आज मैं कुछ वीडियोज वगैरह घर पे ही शूट करूंगी, मतलब रील्स वगैरह सूट कलेक्शन का। देन उसके बाद में अपन चलेंगे शॉप पे, तो मैं आपको ना दिखा देती हूँ कि मैं क्या शूट कर रही हूँ, क्या न्यू कलेक्शन आया है। व्लॉग में भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँ ताकि आपको पसंद आए, तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम करके ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करना ना बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है और अपना एड्रेस भेजना है। मैं आपको प्राइस बता दूंगी भाई, इसकी ये प्राइस है, और देन उसके बाद में आपको अपना एड्रेस भेज देना है और वहां से बस मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी, तो फोन पे या पेटीएम गूगल पे जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो, और फिर जो प्रोडक्ट है वो आपका हो जाता है, फिर उसी दिन मैं जो है ना वहां से डिस्पैच कर देती हूँ और बहुत जल्दी आपके पास आपके एड्रेस पे पहुंच जाता है। तो बस वो आ जाए, उसके बाद में मैं शूट करती हूँ वीडियोज वगैरह। तो गाइज, वीडियो शूट कर लिया, अब इनको समेटेंगे। इतना आसान काम नहीं है। देखो ये लफे में पोशाक आई है, बहुत ही प्यारा है, मतलब सच में ना उसको वहां पे देखा था ना तब मेरे को इतना पसंद नहीं आता, लेकिन खोलने के बाद मेरा मन हो रहा है कि मैं ही सिलवा लूं। तो पहले कस्टमर उसके बाद में मेरा नंबर है, नहीं तो ये मेरी दुकान बंद करा देंगे, बोलेंगे जो भी लेके आते हो बोलते मैं सिलवा लूं। मैं ब्लड आ रहा है मेरा, पता नहीं क्या। और ना ठाकुर जी प्योर का इसके ऊपर ओढ़ना है। मैंने जो वेयर किया था ना, मतलब मेरा वाला तो नॉर्मल कोट वो था, साटन में प्योर का ओढ़ना था, उसमें वर्क नहीं था। और कलर है ना, आप अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइज करवा सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए हम बनवा के आपको दे देंगे। फुल ठाकुर जी प्योर का ओढ़ना आएगा, इस तरीके से ये आएगा, और मंगजी पे जो है ना आपको सी के गोटे का काम मिलेगा। बहुत ही प्यारा सूट है गाइस, बहुत प्यारा, देख सकते हो आप। सो गाइज, वही सेम रूटीन तैयार हो आके, और मेरे हस्बैंड मुझे बस तक छोड़ आए थे, कूली से जाके हमें बैठना पड़ता है। उसके बाद में मैं बस से शॉप पे चली गई थी, और शॉप का जो डेली का रूटीन होता है वही रहता है। शॉप का मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे जो है जो भी कलेक्शन वगैरह होता है वो तो मैं आपको वैसे भी रील्स वगैरह में दिखा देती हूँ, और नॉर्मल चीज़ें होती है। उसके बाद में शाम हो जाती है और लगभग 4:30 या 5 बजे के आसपास, आज तो शायद मैं लेट हो गई थी, 5 बजे वहाँ से रवाना होकर फिर घर आ गई थी। और सब्जी वगैरह तो रेडी हो जाती है और बस आके रोटी वगैरह बनानी होती है, तो मैं यहाँ पे किचन में बस अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तो चलो फटाफट से रोटी बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, और मुझे आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है, तो फेस टू फेस करेंगे। गाइज, खाना वाना बना के मैं आ गई हूँ ऊपर। मैं फेस वॉश भी नहीं करती हूँ आजकल, ऐसी पड़ रहती है लिपस्टिक वगैरह, तो बस ऊपर आई हूँ। और देखो मैं आपको रूम दिखाती हूँ, यहाँ पे हस्बैंड जी के कपड़े पड़े हैं इसमें जो मुझे खाली करने हैं, इसमें कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे धोने हैं। अब यहाँ पे जो सुबह है मतलब धो के गई थी वो कपड़े ला के उतारे, मैं शायद 5:30 छाई थी तब उतार के लेके आई, तो ये ऐसे ही पड़ा है। वही ये वो कपड़े हैं जो मैं आज पहन के गई थी शॉप पे। एंड गाइज, बस खाना वाना बना के फ्री हुई हूँ, तो मुझे ना आपसे थोड़ी सी बातें करनी है। बहुत दिन हो गए ना आप सबसे बात नहीं करी। आपको पता है, मुझे पता है कि आप लोग ना भले ही मेरी व्यूज़ कम आ रहे हैं, भले ही मेरी इनकम कम हो रही है, बट आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो गाइज, बहुत। क्योंकि पता है, मैंने अभी एक दिन पहले एक ब्लॉग डाला था जब मैं शादी में गई थी, और तब मैं लेंस लगा रही थी, है ना। तो उसके लिए पता है, एक भाई साहब ने मुझे इंस्टाग्राम पे एक रील शेयर करी, एक वीडियो शेयर करी, जिसमें उन्होंने बताया कि आप लेंस कैसे यूज कर सकते हो, और उसके नीचे उन भाई साहब की जो लाइन थी, मतलब वो मैं अभी भी याद करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने कितना कुछ कमाया है, मतलब भले ही बड़ी मुश्किल से कमाया है लेकिन बहुत कुछ कमाया है मैंने गाइस, आप लोगों का प्यार कमाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उन भाई साहब ने उसके नीचे लिखी थी कि जीजा, मैंने उस दिन ब्लॉग में देखा था कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे थे जब लेंस लगा रहे थे फर्स्ट टाइम, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो भेजी, आप इसको देख लेना और नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे इसको लगा सकते हो। मतलब कि मैं बता नहीं सकती आपको शब्दों में कि मुझे कितना अच्छा लगा कि कोई इंसान, मतलब किसी अनजान के लिए इतना कैसे सोच सकता है। आज का टाइम ऐसा, इतना बिजी हो गया है ऐसा, हमारा मतलब शेड्यूल, हमारा जो टाइमिंग है वो ऐसा हो गया है कि हमें मतलब कि खुद
खुद के घर वालों के लिए एक मैसेज टाइप करने का टाइम नहीं है। वहां पे अगर कोई मुझे एक रील मेरे लिए देख रहा है, मेरे लिए सर्च करी होगी, पता नहीं कहाँ से ढूंढी, मेरा ब्लॉग देखा, तो उनके अंदर वो चीज आई कि भाई जैसे परेशान हो रहे हैं लेंस लगाने से, मतलब लेंस इनसे लग नहीं रहे, फिर उन्होंने वीडियो देखी, ढूंढी, फिर उन्होंने मुझे सेंड करी, फिर उसके ऊपर दो लाइन लिखी। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, नॉर्मल सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है गाइज। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, थैंक यू सो मच। और मतलब जब से मैंने अपने इंस्टा की जो देवदुर्गा कलेक्शन पे जब मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डाले हैं, तब से मतलब कि बहुत सारे भाईसार हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं, ब्लॉग देख मतलब बोलते हैं कि ब्लॉग देखते हैं आपके, आपके नंबर दिखे तो आपको कॉल किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मतलब कि आप लोगों का जो प्यार है वो दिखावटी नहीं है, वो सच है। मुझे पता है कि ऐसे कोई भी किसी को कॉल नहीं करता है, लेकिन अगर आप कर रहे हो, कितनी हिम्मत होनी चाहिए उसमें कि आप किसी अनजान एक व्लॉगर को आप कॉल कर रहे हो, उसमें बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन हिम्मत से ज्यादा जरूरी आपका प्यार है। तो इसी वजह से आप मुझे बस कॉल कर पाते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप इतना प्यार दे रहे हो। और पता है मेरी लाइफ फिलहाल इतनी बिजी, इतनी बेकार हो चुकी है कि मैं कुछ भी नहीं शूट कर पा रही हूँ। और इस चीज से मेरा बहुत माइंड वो हो रहा है कि यार मैं कुछ शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स नहीं ला पा रही हूँ। और पता नहीं कब कौन सा व्लॉग मेरा लास्ट हो, पता नहीं कब कौन सा व्लॉग जो है मेरी यूट्यूब की जो मेरी जर्नी है उसको एंड कर दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा कंटिन्यू ऐसे कर पाऊंगी। क्योंकि सुबह आपको पता है उठती हूँ, फिर घर का काम वाम होता है, नहाती धोती हूँ, फिर सीधा शॉप में पहुंचती हूँ, पूरा दिन वहां पे मैं लगी रहती हूँ। मैं झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ मेरे बहुत सारे ऑर्डर जा रहे हैं, मेरा बहुत शॉप ऐसे दौड़ रही है, नहीं, लेकिन मतलब मैसेजेस आते हैं तो उनके रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मैं पूरा दिन पानी तक नहीं पीती हूँ वहाँ पे। शायद आपको मेरी आवाज़ सुन के पता चल रहा होगा कि मैं कितनी थक जाती हूँ, तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, फिर पता ही नहीं चलता कब शाम के 4 बजते हैं 4:30 बजते हैं। तो फिर वहां से निकलती हूँ, यहाँ आती हूँ, फिर यहाँ के वापस जो काम होता है उसको थोड़ा देखती हूँ, कुछ मम्मी और कर देते हैं, कुछ जो बचता है वो मुझे देखना होता है। देन उसके बाद में बस हारे थके होते हैं तो थोड़े बहुत फिर मैसेजेस की रिप्लाई करने में लग जाती हूँ, कुछ सोचती हूँ कि भाई कुछ ऑर्डर आ जाए, एंड उसके बाद में मैं सो जाती हूँ। तो बस ये फिलहाल मेरा रूटीन चल रहा है, और बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ब्लॉग शूट कर पाना। तो मुझे नहीं पता कौन सा ब्लॉग मेरा लास्ट होगा, कब मैं आप लोगों को बिना बताए ब्लॉगिंग करना बंद कर दूंगी, मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मतलब कि तो छोड़ो यार, क्या बताऊं मैं, ना तबीयत ठीक है अभी 2-3 दिन से, मतलब तबीयत नहीं है बट थकान हो गई है। पहले मतलब कि शादी में चले गए थे, फिर शादी से वापस आते जयपुर चली गई, और आपको पता है ना कि इंसान जरूरी नहीं कि हमेशा फिजिकली थके। बहुत सारे लोग कहेंगे कि पूरे दिन शॉप में बैठी तो रहती है, क्या थक गई होगी। तो मैं आपको बताऊं एक चीज की, जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली कुछ काम करो तो ही आप थको, कभी कभार आप मेंटली भी थकते हो, वो भी एक काम है। जहां आपको 1 मिनट पानी पीने का टाइम नहीं मिल पा रहा, वो भी एक काम है। एक आप मूवी देख रहे हो फोन में, वो अलग चीज है, एक आप मैसेजेस की रिप्लाई कर रहे हो, आपके दिमाग में थोड़ा सा वो रहता है कि यार काश ये मेरा सूट निकल जाए, काश ये निकल जाए, काश आज इतनी इनकम हो जाए, काश आज मतलब कि निकल जाए यार कैसे भी करके इनकम हो जाए। तो मतलब इतनी मेहनत से मैं शॉप पे आती हूँ, इतनी मेहनत में करती हूँ, कितना मैं हेडेक ले रखी हूँ, तो थोड़ा बहुत कुछ निकल जाता है, तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि ठीक है चलो मेहनत का फल मिल रहा है। एंड हाँ मुझे पता है धीरे धीरे मिल जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी इंसान हूँ ना मैं भी, तो माइंड में चीजें आती है कितना भी आप कोशिश कर लो। तो बस पति देव के कपड़े पड़े तो कल रखूंगी, मुझे नहीं लगता आज मैं रख पाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ बता सकती। पर हाँ ये अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं तो मुझे बोलते हैं कि आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब कि कैसे कर लेते हो आप यार कैसे संभालते हो सारी चीजें। तो अच्छा लगता है सुनकर कि आप लोग उस चीज को देख पा रहे हो, आप लोग देख पा रहे हो मेरी स्ट्रगल को कि मैं कितना कुछ करती हूँ। और देखो ये मैं वो नहीं कह रही कि मैं मतलब मैं किसी को गिना रही हूँ या मैं किसी को बता रही हूँ, नहीं, मेरा ड्रीम था ये, और इस ड्रीम में मेरे घर वाले मेरे साथ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरे ससुर जी हो, चाहे बाकी फैमिली मेम्बर्स हो, सबका साथ है। और देखो अगर मैं इनकम भी करूंगी कल को, तो मैं किसी को ऐसा थोड़ी कि मैं किसी को लाके दूंगी तो मैं इनको इन पे वो एहसान जताऊं कि नहीं मैं तो थकी हार आई हूं, मैं तो सोऊंगी, मेरे से ये नहीं होगा, मैं तो जाऊंगी, मैं तो लेट हो रही हूं, नहीं।
मुझे पहले से पता है कि घर वाले मेरे लिए पहले हैं, देन उसके बाद मेरा काम है, तो मैं पहले घर का काम करूंगी, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करूंगी, और उसके बाद मैं अपना जो बाकी का काम है, जैसा मेरा सोशल मीडिया हो, जैसे व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ तो वो भी मैं वैसे ही करती हूँ। अगर मेरा शॉप है, भले ही मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो बाद में है, पहले मेरी फैमिली है। क्योंकि आपको पता है कि बड़ों का आशीर्वाद और प्यार वो ज़्यादा जरूरी होता है, तो भले वो फेस टू फेस ना दे बट मन से अपने आप निकलेगा और निकलता है जब अपन कुछ करते हैं। तो मैं मेरी तरफ से पूरा 100% करने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं 100% दे रही हूँ, नहीं दे पाते हैं, मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ बहुत। मतलब अभी मेरा पता है मैं कभी भगवान में विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन अभी मेरी सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि अगर मेरे सामने मतलब मंदिर आता है तो मैं वहां पे हाथ जोड़ के खड़ी नहीं रहती, बल्कि मेरी आंखों से अपने आप पानी आता है। ऐसे मेरी सिचुएशन हो रखी है, मैं भगवान के आगे खड़ी होती हूँ ना, तो मेरी आंखों से अपने आप पानी, मतलब आंखें मेरी भर जाती है पानी से। और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही गाइस, मैं एकदम सच बात बोल रही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मतलब भगवान को याद करते ही अंदर से ऐसा वो नहीं होता कि इंसान थक जाता है, हार जाता है, वैसा मेरे साथ हो रखा है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ, नहीं। अभी जो टाइम है वो मेरे थकान भरा है। हाँ मुझे पता है धीरे धीरे निकल जाएगा, मैं पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हूँ आप लोगों से गाइज, एंड बस मैं ये बताने चाह रही थी, पता नहीं मेरा कौन सा व्लॉग लास्ट हो, और मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं लास्ट करूँ, क्योंकि आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है ना, तो मुझे लगता है मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए। मैं कोशिश भी कर रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हो पिछले कुछ टाइम से मैं बस ऐसे ही कुछ ना कुछ कर रही हूँ कि ठीक है मैं मुझे करना है, लेकिन मैं जब नहीं कर पाऊंगी तब मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाऊंगी, मैं यूं अचानक से गायब हो जाऊंगी यूट्यूब से। बट हाँ इंस्टाग्राम पे मैं जरूर शायद आपको देखने को मिल जाऊं, वहां पे आप लोग मुझसे कनेक्ट रह सकते हो। होप कि ऐसा ना हो, मैं यूट्यूब ना बंद करूं, मुझे टाइम मिले, मैं आप लोगों के लिए कुछ शूट कर पाऊं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्ट एंड प्यार, बहुत दिया आपने मुझे, बहुत दिया है। कितनी बातें कर ली मैंने आपसे, तो अभी मैं कपड़े वपड़े तो नहीं समेटूंगी, बस मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा, और थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर खाना वाना खाऊंगी अगर उठने की फिर हिम्मत रही तो, नहीं तो बिना खाए ही सो जाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय। और Thank you.